पास्ट लाइफ रिग्रेशन के बारे में सुना होगा और सबके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे जो हम थोड़ी देर के बाद आपसे पूछेंगे कि आपको क्या पूछना है। तो उसमें आप अपने सारे मिथ्स जो आपने अभी तक सोचा होगा कि अच्छा ये ऐसा होता है या ये वैसा होता है, इसमें क्या होता है, हमारे ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो जाएगा, ये सारे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको आएंगे। लेकिन उन सबसे पहले जो एक्सपीरियंस वाली बात है कि ये जो हम एक्सपीरियंस करते हैं थ्रू पास्ट लाइफ रिग्रेशन, हमारे जो पिछले जन्म होते हैं, या जैसे जब हम लोग थीटा हीलिंग सीखते हैं तो उसमें हम कहते हैं कि हिस्ट्री लेवल से कोई भी चीज आती है, मतलब जो कुछ आज हम हैं, जो कुछ हम कर रहे हैं, कहीं पे हम बहुत सक्सेसफुल हैं, कहीं पे हम बहुत ज्यादा स्टक हैं, ये सारी चीजें आपकी लाइफ में तब होती हैं जब उसकी कोई हिस्ट्री होती है। जैसे न्यू बॉर्न बेबी, उसको खाना है, सोना है, उसके अलावा उसके पास कोई दूसरा काम ही नहीं है, राइट? लेकिन जब आप अपनी लाइफ में कहीं अटक जाते हैं और आपको ये पता ही नहीं है कि ये चीज मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूँ या मैं क्यों नहीं कर पा रही हूँ, ऐसा मेरे साथ क्या प्रॉब्लम हो गई है, तो पास्ट लाइफ एक बहुत अच्छा टूल हो सकता है, क्योंकि हमारी सोल की बहुत सारी जर्नीज हुई हैं। या ये कह सकते हैं, जिन लोगों को अगर ये बिलीव नहीं है कि भाई हम पास्ट लाइफ भी होती हैं, पर हम इसको हिस्ट्री लेवल पे रखते हैं, क्योंकि कई बार हम मूवीज देखते हैं, उनको हम बहुत रियल मान लेते हैं, ठीक है? तो जब जब लोग पास्ट लाइफ करते हैं, तो हो सकता है आपके माइंड का कोई एक कॉन्सेप्ट आपने बना रखा हो जो आपको तंग कर रहा हो, राइट? तो वो भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा हम पास्ट लाइफ ही करें, लेकिन पास्ट लाइफ इज अ वेरी पावरफुल टूल टू नो योर हिस्ट्री, कि आपके पिछले लाइफ में क्या हुआ, चाहे वो ये लाइफ हो या कोई पुरानी आपकी कोई पहले की कोई लाइफ, इस लाइफ का भी पास्ट हो सकता है और आपके पास्ट लाइफ का भी पास्ट हो सकता है। वो बहुत सारी चीजें हम पास्ट लाइफ में जानेंगे। पास्ट लाइफ केवल पिछला जन्म देखने का एक साइंस नहीं है, ये एक तो बहुत ही पुराना साइंस है जिसको पहले हमारे साधु लोग मंदिरों में किया करते थे, जब किसी को कोई बीमारी होती थी, कोई रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आती थी, या कोई मनी से रिलेटेड प्रॉब्लम आती थी, या कोई भी एक्स वाई जेड। और आजकल के टाइम में जो हम यूज करते हैं इस मोडालिटी को, सबसे पहले हम यूज करते हैं मेंटल हेल्थ के लिए सबसे ज्यादा। जैसे डिप्रेशन है, एंजाइटी है, कुछ लोगों को डिफरेंट तरह की एंजाइटीज होती हैं, ये सारी चीजें हम इसमें बहुत अच्छे से हैंडल कर सकते हैं। इसके और भी बहुत सारे बेनिफिट हैं जो हम बाद में समझेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे कि हिप्नोसिस या पास्ट लाइफ क्या चीज है, हिप्नोसिस पास्ट लाइफ से कनेक्टेड क्यों है, बिकॉज हिप्नोसिस इज द ओनली टूल टू कनेक्ट यू टू योर पास्ट लाइफ। आपको सबसे पहले जब आप हिप्नोसिस सीखेंगे कि हिप्नोसिस कैसे किया जाता है, जो कि सिर्फ पर्पस है आपके इश्यूज को हील करने के लिए, दिस इज क्लिनिकल हिप्नोसिस जो आप सीखने वाले हैं। ये किसी मजा मस्ती के लिए आप नहीं सीख रहे हैं कि अगर किसी ने बोला नहीं नहीं मुझे मेरी पास्ट लाइफ देखनी है तो आपने कहा चलो ठीक है मैं तुम्हें दिखा देता हूँ, ये आपकी प्रॉपर थेरेपी है। यहाँ पे हम प्रॉपर थेरेपी सीखेंगे। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि हिप्नोसिस क्यों यूज किया जाता है पास्ट लाइफ देखने के लिए। तो जिस अभी जो मैं आपसे बात कर रही हूँ, ये मेरा कॉन्शियस माइंड है, मेरे कॉन्शियस माइंड को बहुत कुछ पता है कि क्या होता है क्या नहीं होता, पर स्टिल ये सिर्फ 10% हमारे माइंड का पार्ट है। जितना माइंड हमारे जो माइंड है, ऐसे अगर हमारे शास्त्रों में देखो या आप जापानीज कल्चर में बात करो या किसी, वहां पे 64 माइंड्स होते हैं, लेकिन हम बात करेंगे यहाँ कॉन्शियस और सब कॉन्शियस माइंड की, कि जो भी आपकी प्रॉब्लम है, जो आज आप इश्यूज से गुजर रहे हैं या जो भी आपकी प्रॉब्लम्स आज हो रही हैं, अगर उसकी चाबी कहीं ढूंढनी है तो वो आपके सब कॉन्शियस माइंड में है। तो जब हम सोते हैं तो हम सिर्फ सोते हैं तो हम अपनी माइंड को पूरी तरह रिलैक्स कर रहे हैं, लेकिन जब हम हिप्नोसिस करते हैं, वो एक प्रॉपर स्क्रिप्ट होती है जो आपको, जब आप क्लास में आएंगे तो वो आपको स्क्रिप्ट मिलेगी, आपको बताया जाएगा कि वो टेक्निक क्या होती है, एंड इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी माइल्ड टेक्निक टू कनेक्ट विद योर सबकॉन्शियस माइंड, जहां पे आपकी पूरी हिस्ट्री दबी हुई है, चाहे वो इस पास्ट लाइफ की हो, चाहे वो किसी और इस लाइफ की हो या पास्ट लाइफ की हो, करेक्ट? सो हिप्नोसिस एक टूल है जो आपके ब्रेन के बहुत सारे हिस्से जो हमें रोकते हैं, हमारे सबकॉन्शियस माइंड को रोकते हैं वहां जाने से, वो सारे बैरियर को क्रॉस करके आपके सबकॉन्शियस माइंड में पहुंचने का एक रास्ता है हिप्नोसिस।
सो जब हम हिप्नोसिस करते हैं तो हम अपने सबकॉन्शियस माइंड से कनेक्ट होते हैं, हमारा कॉन्शियस माइंड जो है वो नीचे चला जाता है और हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमसे बात करने लगता है। तो दिस इज द सिंपल वे टू अंडरस्टैंड कि भाई हिप्नोसिस क्या होता है।